इट इज़ द डिस्क्रेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू डिसाइड कि मेरे साथ कौन काम करेगा, मतलब अपने रिश्तेदारों को भर दें। किसने कहा कि रिश्तेदार? वजह साहिबा, जब नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म होता है तो उसकी पहली कैजुअलिटी मेरिट होती है, जो इस केस में नजर आई। मैंने फैक्ट आपको बताया। आई एम आल्सो टेलिंग यू द फैक्ट कि ये बात कभी अदलिया के सामने नहीं बताई गई। गैर हाजिरी की बुनियाद पर उनको सजा दी गई। नाउ व्हाट इज दिस? फिर दो तरफा अनप्रेसिडेंटेड काम हो रहा है। इफ जुडिशरी डिड समथिंग अनप्रेसिडेंटेड, यू आल्सो डिड समथिंग अनप्रेसिडेंटेड। हमने हर मसले पे अपना सर झुकाया। अब वो एक उनका इसरार है कि जी आप खत लिखें। व्हाट इज दिस? व्हाई? जरदारी साहब इस कौम के सदर हैं या अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए सदर बने? रियासत के सरबरा हैं और वो वफाक की अलामत है। अगर वो सदर हैं तो उन्हें इम्यूनिटी हासिल है। अगर वो सदर हैं तो अगर अदलिया उनके किसी दोस्त को सजा देने की हिम्मत कर भी ले तो वो प्रेसिडेंशियल पार्डन दे देते। इज इट अबाउट हिम एंड हिज फ्रेंड्स? बैन अल अक्वामी कन्वेंशन इस बात की इजाजत नहीं देते हैं कि आप अपने सिटिंग प्रेसिडेंट के खिलाफ कोई केस खोलें। कोऑपरेशन नहीं लगता जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में, कॉम्पिटिशन लग रहा है। मिनिस्टर का काम कंसेप्ट और पॉलिसी देना होता है। कैन लतीफ खोसा गिव कॉन्सेप्ट एंड पॉलिसी ऑन आईटी? व्हाई नॉट? आपकी हुकूमत आवाम को ये बताने पर मिसर है कि जी अगर आप खुद अपना ख्याल रख सकते हैं, अगर आप अपनी खुद सिक्योरिटी कर सकते हैं, खुद अपने आप को साफ पानी दे सकते हैं, खुद अपने आप को सही ग़िज़ा दे सकते हैं तो ठीक है, वरना हमारा ये काम नहीं है, हम नहीं कर सकते। मोहतरमा ऑलवेज ट्रस्टेड हिम और जरदारी साहब मोहतरमा के दिए हुए जो चीज़ें हैं उस पर चल रहे हैं। गवर्नर साहब की हुकूमत की वो प्रोएक्टिव मोड में नहीं है, रिएक्टिव मोड में है। अगर नवाज शरीफ साहब सड़क पर आते हैं तो अदलिया बहाल होती है। अगर आवाम सड़क पर आते हैं तो एनर्जी कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, फिर हल निकाला जाता है, 8 बजे दुकानें बंद की जाती हैं। यू आर अ नेगेटिव पर्सन, फितने हो तुम।